अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 29 जुलाई 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DLED प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी जो BED की एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था, वो दोस्तों उसकी परीक्षा की तारीख है 9 अगस्त। लेकिन दोस्तों परीक्षा की तारीख का जैसे मतलब सब कुछ खुलासा होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों जिस दिन एडमिट कार्ड जारी होता है उसके बाद क्या होता है, देखिए BED परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर फूटा अभ्यर्थियों का गुस्सा। कोरोना के बीच परीक्षा पर जताई नाराजगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे DLED में भी होगा, आपको क्या लगता है? बहुत से छात्रों को लगता है कि इस समय आपका पेपर हो जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों जब परीक्षा की तारीख जारी हो जाएगी उसके बाद DLED छात्र भी सोशल मीडिया पर अभियान चलाना शुरू कर देंगे कि नहीं यार, परीक्षा अभी तो नहीं होना चाहिए, कोरोना वायरस बढ़ रहा है। देखिए पूरा मैटर क्या है, कैसे हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, हमने आपसे कुछ दिन पहले एक सवाल पूछा था। सवाल यह था, क्या DLED छात्रों को बिना परीक्षा अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर देना चाहिए? आप लोग अपना वोट जरूर करें। उसमें से 266% छात्रों का कहना था ठीक है, पेपर ना कराएं, सीधे आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट करें। लेकिन दोस्तों आपके ही बीच से कुछ छात्रों का ये भी कहना था, 34% छात्रों का, नहीं भाई पेपर तो होना चाहिए, बिना पेपर के अगले सेमेस्टर में हमें प्रमोट नहीं करना है। तो सोचिए दोस्तों, इसमें वोटिंग जो हुई है 19,000 से अधिक छात्रों ने वोट किया है, और तकरीबन 5,000 से अधिक छात्र ऐसे जिनको लगता है नहीं यार पेपर होना चाहिए, बिना पेपर के प्रमोट करना उचित नहीं होगा। तो दोस्तों हर जगह दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है, कोई पॉजिटिव होता है कोई निगेटिव होता है। तो वैसे दोस्तों यहाँ पर भी BED में भी था, अभी तक दोस्तों परीक्षा की तारीख नहीं आ रही थी तो भी दिक्कत थी, अब परीक्षा की तारीख आ चुकी है, 9 तारीख को पेपर होने वाला है तो भी दिक्कत है। तो मतलब दोस्तों आपको दिक्कतें हमेशा देखने को मिलेंगी। याद रखिए, पेपर होगा तो भी दिक्कत होगी, नहीं होगा तो भी दिक्कत। बहुत से छात्रों को जो लग रहा है कि यार पेपर हो जाना चाहिए, अभी जुलाई में ही होना चाहिए, अगस्त में होना चाहिए, सितंबर में होना चाहिए, आपको क्या लगता है? जब पेपर की 200 तारीख जारी हो जाएगी उसके बाद सोशल मीडिया पर एक नया अभियान छिड़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में परीक्षा और प्रमोट करने को लेकर ताजा जानकारी, ठीक है। हमको तो ये दोस्तों आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, परीक्षा होगा तो यहाँ दिक्कत होगी, प्रमोट होगा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक यहाँ तब भी नहीं है। जैसा कि दोस्तों ने बताया कि यार 5,000 से अधिक छात्रों को ऐसा लगता है कि नहीं यार पेपर तो होना ही चाहिए, बिना पेपर के प्रमोट करेंगे तो जो बच्चे कमजोर होंगे वो भी पास हो जाएंगे। तो कुछ छात्रों को दोस्तों ये कंपटीशन का जमाना है, तो जो पढ़ने में अच्छे होते हैं छात्र, जो भाई टॉपर ऑपर होते हैं ना, उनको लगता नहीं पेपर वेपर हो जाएगा तो ठीक रहेगा, कम से कम आप अपने क्लास में फर्स्ट आएंगे, थोड़ी सी इज्जत और बढ़ जाएगी, क्लास में ही फर्स्ट आएंगे। दोस्तों DLED में क्या होता है, आप ऐसा तो नहीं यूपी लेवल पर कोई यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा, आपका दोस्तों लेवल वही कॉलेज लेवल पर आप अपना चेक कर सकते हैं कि कॉलेज में आपका नंबर सबसे ज्यादा है या सबसे कम है, ठीक है। तो थोड़ी सी भाई इज्जत बढ़ जाएगी, रेपुटेशन बढ़ जाएगा, कुल मिला के आप लोग भी दोस्तों एक होकर रहेंगे तभी आपको या तो प्रमोट किया जाएगा या तो आपका पेपर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिवाइड होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी तक वैसे आपने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, तो दोस्तों चलिए पहले वीडियो को लाइक मार दीजिए, वीडियो की बटन को नीला कर दीजिए लाइक वाली बटन को, क्योंकि काफी छात्र भूल जाते हैं लाइक करना। जी हाँ दोस्तों, लाइक करते हैं तो अभी भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों एक बात और बता दें, कोरोना की हालत क्या हमारे देश में, 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसको लेकर देखिए, जो BED के भाई परीक्षार्थी है ना, BED परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर फूट गया अभ्यर्थियों का गुस्सा, इसीलिए तो गुस्सा फूट रहा है। पूरी अपडेट्स को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। आगे चलकर दोस्तों जब आपका पेपर होगा ना, जब DLED की परीक्षा की नई तारीख आ जाएगी, तो कुछ ऐसी वीडियो हम DLED को लेकर भी बनाएंगे, परेशान मत होइए। तो हर जगह दोस्तों यही होता है, जब तक पेपर की तारीख नहीं आती तो भी दिक्कत, नहीं आ गई तो भी दिक्कत, दिक्कतें दोस्तों कभी खत्म नहीं होती। देखिए यहाँ पर BED के छात्र के साथ साथ मतलब BEO परीक्षा स्थगित करने को भी अभियान शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, BED के बाद आपका BEO की परीक्षा होनी है, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है खंड शिक्षा अधिकारी, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। 309 पदों की दोस्तों ये भर्ती है BEO वाली। तो इसमें वैसे दोस्तों सिर्फ BED के छात्रों को मौका मिला, तो DLED के छात्र तो वैसे भी गुस्सा हो गए कि इसमें DLED के छात्रों को मौका नहीं दिया गया, यहाँ पर मौका सिर्फ BED के छात्रों को मिला था, ठीक है। तो चलिए इस पर हम बात भी ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके काम की जानकारी नहीं होगी, आपको मौका मिलता तो आप खुश होते। तो एक सवाल आपका, क्या अभी तक प्रमोट करने को लेकर कोई फैसला हुआ? तो दोस्तों देखिए, 29 जुलाई 2020 जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तब तक फिलहाल आपको प्रमोट करने को लेकर कोई भी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यकीन मानिए सोशल मीडिया पर आप अपनी बात अच्छे से रखेंगे तो डेफिनेटली फैसला दोस्तों आपके पक्ष में आएगा। लेकिन कुछ अराजक तत्व हम कह सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मामले को बिगाड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई मतलब नहीं होता, BED के छात्र है या
डीएलएड के छात्र नहीं होते, डीएलएड गेट तो दोनों को मौका मिलता है ना शिक्षक भर्ती में। कुछ ऐसे ही छात्र आते हैं दोस्तों जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, मतलब ट्विटर की बात कर रहे हैं या यूट्यूब की बातें नहीं हो रही हैं। देखिए आपको प्रमोट करेंगे या नहीं, ट्विटर पर अभियान छात्रों ने जोर शोर से चलाया था, तो ठीक है आप लोग भी अभियान में पार्टिसिपेट करते रहिए ताकि दोस्तों आपकी बात आगे अच्छे से रखी जाए। हाँ एक बात याद रखिएगा, सही लैंग्वेज का यूज करिएगा, क्योंकि आप लोग जब टैग करते हैं तो कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते सामने, तो इस बात का जरा आप सामने ख्याल रखिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। पता चला आप सीएम योगी जी को टैग कर रहे हैं और उल्टी सीधे बातें लिख रहे हैं, तो इस सब चीजों का जरा ध्यान रखिएगा। देखिए एक बात और, अगर बीएड का पेपर अगस्त में होता है तो क्या डीएलएड का पेपर भी जल्दी होगा? जी हाँ दोस्तों, बात जल्दी की कह रहे हैं, अगस्त की नहीं कर रहे हैं। ठीक है फिलहाल दोस्तों हम बीएड का इंतजार कर रहे हैं कि बीएड की परीक्षा 9 अगस्त को संपन्न हो। ठीक है 9 अगस्त को दोस्तों, वैसे दिन रविवार पड़ रहा है, और आपको बता दें हर दिन संडे को वैसे लॉकडाउन यूपी में चल रहा, शनिवार रविवार। फिलहाल दोस्तों ये फैसला जुलाई तक था, अगस्त में रह गया नहीं, अगर हो गया तो क्या होगा कैसे होगा? चलिए पहले एक अपडेट को हम देख लेते हैं, ये अपडेट दोस्तों आपके लिए भी सेम होने वाली है। अगर दोस्तों डीएलएड की परीक्षा भी होती तो दोस्तों आपका भी कुछ ऐसा ही गुस्सा सामने आता। क्या अपडेट है, क्या है मामला, इसको देखते हैं। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इस हालात में 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश पत्र जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है। अभ्यर्थी शक्ति राजभर ने सोशल मीडिया पर अपना प्रवेश पत्र साझा किया है। वह कहते हैं कि उन्होंने प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ के परीक्षा केंद्रों पर पेपर देने का विकल्प भरा था। उन्हें 250 किलोमीटर दूर बलरामपुर में एमके कॉलेज, पीजी कॉलेज में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया। सोचिए दोस्तों घर से 250 किलोमीटर दूर जाना है, वो भी कोरोना काल में। ठीक है याद रखिए दोस्तों, आज के दिन अगर आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाएंगे ना, आप खाली ये बता दीजिए भैया हम दिल्ली से आ रहे हैं, हम बम्बई से आ रहे हैं, या हम गुजरात से आ रहे हैं, या दोस्तों कहीं से भी आ रहे हैं, जैसे यूपी में भी बहुत सी जगहों पर कोरोना वायरस फैला है। फिर देखिए दोस्तों आपके रिश्तेदारों के जो फेस हो गए ना, चेहरे, वो देखने लायक होंगे। हो सकता है कि भाई वो खुद ही आइसोलेशन में चले, आपको दूर कर दे कि नहीं कोरोना हो जाएगा, मैं डर इतना ज्यादा फैला है। तो अगर आप पेपर देने जाएंगे 250 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, तो रहेंगे कहाँ? आपको एक बात और बता दें जानकारी के लिए, डीएलएड का भी दोस्तों जब आप पेपर देते हैं तो आपको कमरा लेकर ही रहना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, घर पर रह के आप पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि जो आपका सेंटर होता है वो हो सकता है कि आपके घर से 15-20 किलोमीटर दूर, 30 से या 40 किलोमीटर दूर पड़ जाए, फिर क्या करेंगे? सवाल बहुत से होंगे, जवाब दोस्त एक ही होगा कि कोरोना वायरस। ठीक है खत्म होगा तभी पेपर हो तो बेहतर। आगे दोस्तों क्या अपडेट से देखिए, प्रयागराज के ब्रजेश सिंह लिखते हैं कि उन्होंने प्रयागराज में परीक्षा केंद्र का विकल्प भरा था, केंद्र इटावा में दे दिया गया। सोचिए कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात में परीक्षा देने जाने का मतलब अपनी जान जोखिम में डालना है। जी हाँ दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी आप होंगे तो ही आप जाएंगे। उसके बाद प्रगति आजाद लखनऊ विश्वविद्यालय को अपनी आपत्ति टैग करते हुए सोशल मीडिया में लिखा है कि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन को व्यवहारिक सोच के साथ इस परीक्षा पर फैसला लेना चाहिए। अंकित गौर लिखते हैं कि इन हालात में भर्ती मतलब अभ्यर्थी न तो परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे न ही परीक्षा दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सिंपल सी बात है, बहुत से छात्रों का भाई नहीं पहुंच पाएंगे पेपर देने पे, पेपर छूट जाएगा, पेपर छूट जाएगा तो फायदा किसका होगा दोस्तों? फायदा सरकार का होगा, जिन्होंने फॉर्म के पैसे आपसे ले लिए। अब या तो सरकार एक विकल्प दे दे भाई, जिन्होंने फॉर्म भरा है जो पेपर नहीं देना चाहते वो अपना पैसा रिफंड ले लें, डीएलएड कर सकते हैं, उनके पास एक और ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं है। फिर आगे देखिए, अभ्यर्थी रानू कुमार ने लिखा है कि परीक्षा केंद्रों पर भीड़ भाड़ के माहौल में अगर सिर्फ एक सैनिटाइजर की बोतल और मास्क काफी होता तो देश भर में इस बीमारी को लेकर इतना खतरा ना बढ़ता। जी हाँ दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आप एक मास्क लगाकर एकदम सीना चौड़ा करके निकल गए ना, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मास्क से आपका कोरोना रुक जाएगा। ठीक है उम्मीद कम होती है, संभावनाएं कम होती है, नहीं तो डॉक्टर तो पीपीई किट के अंदर भी कोरोना वायरस वहां तक पहुंचता है, तो आप तो भाई ऐसे घूम रहे मास्क लगाकर, और N95 मास्क पर भी सवाल खड़े हुए हैं जो कि देश भर में सबसे प्रचलित मास्क था। उसके बाद आगे जरा देखिए, दिशा निर्देशों पर भी उठाए गए सवाल। देखिए ये सब चीजें हम आपको क्यों बता रहे हैं, ऐसा दोस्तों डीएलएड में भी होगा, जब आपका पेपर होगा ना तो फिर आपको भी ये सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है अगर आपको फर्स्ट और थर्ड में प्रमोट भी कर दिया गया, इसको जरा समझ लीजिए, आप लोग सोच रहे होंगे ये तो हमारे काम की चीज नहीं है। इन केस दोस्तों आपको फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट करेंगे तो तुरंत आपका दोस्तों सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की भी परीक्षा होगी। ठीक है तो सोशल मीडिया पर आप भी एक्टिव रहिए तो भी बेहतर होगा। देखिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों को दिशा निर्देशों से जुड़े करीब 15 बिंदु जारी किए गए हैं। इसमें बिंदु 10 में अर्हता परीक्षा के नतीजे और उसका मूल अंक पत्र काउंसलिंग से पूर्व अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी तक प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा तक हुई नहीं है, ऐसे में यह फरमान बेमानी है। एलयू ने तैयार किया वीडियो, मतलब तैयारियों पर मतलब जारी कर दिया एक वीडियो, भाई इनकी तैयारी क्या है, इस पर एक वीडियो जारी किया गया है।
बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 करा रहे लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से अपनी तैयारियों को लेकर एक वीडियो जारी किया गया है। इसमें राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय वरीयता के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित करने के बाद भी बहुत अधिक संख्या में अभ्यर्थी बच गए हैं, उनको अन्य शहरों में भेजा गया है। दावा है कि अभ्यर्थियों की सुविधा प्राथमिकता रही है। अभ्यर्थियों से अपील है कि वह निश्चिंत होकर परीक्षा केंद्रों पर जाकर परीक्षा दें। ठीक है भाई, निश्चिंत होकर आप लोग जाइए। दिक्कत यह है कि आप जाएंगे कैसे अगर लॉकडाउन हो गया उस दिन। लॉकडाउन नहीं दोस्तों तो भी यार आज के डेट में वो दोस्तों कंडीशन अब नहीं है। कोरोना वायरस की जो पहले की दोस्तों स्थिति थी, बस ऑटो रिक्शा ये सब जो चीजें थी बहुत आसानी से मिल जाती थी, लेकिन दोस्तों आज के डेट में कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। एटलीस्ट आज के डेट में लोग अपने रिश्तेदारों तक पर भरोसा नहीं करते यार कि उनको कहीं कोरोना तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर पता चलता है कि हमारे घर में कोई डॉक्टर है, पुलिस में है, या दोस्तों कोई ऐसे लोग दुकानदारी करते हैं जिनको पता है कि दोस्तों जो अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं, तो लोग उनसे भी आज के दिन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं कि दूर रहेंगे तो कोरोना नहीं होगा। तो कोरोना वायरस एक बात और बताते हैं, सबके लिए खतरनाक नहीं है। देखिए हमारे देश में दोस्तों अब तक 15 लाख से अधिक कोरोना के मामले सामने आए, जिनमें से 9,88,000 लोग अब तक ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 5 लाख से अधिक केस अभी भी चल रहे हैं दोस्तों, मतलब जिनका इलाज जारी है। और लेकिन इसमें देखिए दिक्कत ये है, जो 34,000 से अधिक लोगों की जान गई है। जी हाँ दोस्तों, बस ये बात है ना कि लोगों की जान भी यहाँ जा रही है। अगर जान किसी की ना जाती, कोरोना वायरस हो जाता, फिर देखिए कोई दिक्कत नहीं थी। तो खतरनाक तो है ये। तो दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको देते रहेंगे, पेपर की आप लोग तैयारियां करते रहिए। अब चलिए दोस्तों बात हो जाती है पीएनपी के लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। देखिए पीएनपी ने कुछ दिन पहले एक अपडेट से थे, आपने देखा होगा कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके हिसाब से बताया जाएगा डीएलएड छात्रों को प्रमोट करना है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, जो भी कुछ करना है वो कमेटी डिसाइड करेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ समय लगेगा। देखिए ये सरकारी विभाग है, जरा ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कॉलेज में आप नहीं है, ये एक सरकारी संस्था है, यहाँ पर समय लगता है, तो आपको समय देना पड़ेगा। थोड़ा सा बेचैनी आपको जरूरी नहीं है, थोड़ा मतलब इंतजार करिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है कि हम आपको दे देंगे। ठीक है ना, आज 29 तारीख तक की अपडेट्स हमने आप तक पहुँचा दी, ताकि देखिए रोज अगर आप अपडेट्स देखेंगे तो आपके मन में दोस्तों कम से कम ये तो रहेगा ना कि आगे कुछ हो रहा है, नहीं तो आप घर बैठ जाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि आप डीएलएड का कोई कोर्स भी कर रहे हैं, फिर सब कुछ खत्म। तो रोज दोस्तों आप लोग अपडेट्स देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करा करिए दोस्तों, ताकि आपकी आवाज और बुलंद हो, सोशल मीडिया पर पहुंचे। बीएड के साथ साथ दोस्तों डीएलएड छात्रों का भी भविष्य उज्जवल हो। बीएड के छात्रों को तो देख रहे होंगे भविष्य कितना अच्छा चल रहा है। ठीक है, उनको बीईओ पता नहीं कितनी ज्यादा वैकेंसी में मौका मिलता है, आपको मौका ही नहीं दिया जाता। ठीक है, डीएलएड कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल बात को दोस्तों आप जो अपनी बात है उसको मजबूती के साथ रखिए सोशल मीडिया पर, ताकि दोस्तों आपकी बात मजबूती से सुना जाए। देखिए एक बात और, प्रमोट करने को लेकर क्या ताजा जानकारी है दोस्तों? बस वही बात है, जो कमेटी बनने वाली इनकी जब बन जाएगी, डिसाइड हो जाएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल सरकारी विभाग फिर से हम बोलेंगे आराम से काम होगा, इंतजार करिए। ठीक है, क्या अभी प्रमोट करने पर कोई फैसला हो गया? तो दोस्तों फिलहाल अभी तक तो नहीं हुआ, होगा तो हम आपको बता देंगे। जैसा कि दोस्तों हमने बताया, पेपर होगा तो भी दिक्कत होगी, नहीं होगा तो भी दिक्कत है। आपने दोस्तों हमने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको लगता होगा कुछ छात्रों के, नहीं भाई सभी छात्रों के मन में यही होगा कि हमको प्रमोट करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। बहुत से छात्रों का कहना है कि नहीं पेपर होना चाहिए, बिना पेपर एक प्रमोट करना उचित नहीं। ये दोस्तों डीएलएड छात्र ही कह रहे हैं, कोई बाहर के छात्र नहीं है। ठीक है, वोटिंग दोस्तों बहुत ही बड़ी संख्या हुई है, 19,000 से अधिक छात्रों तक ये मतलब बात संदेश पहुंचा है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, दबा के करिए शेयर, ताकि दोस्तों ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और सभी छात्र सच्चाई जाने दिक्कत क्या है यहाँ पर। ठीक है ना, आप में ही दोस्तों आपके दोस्त होंगे तो आप में भी बनती नहीं होगी, कोई छात्र दोस्त ये बोलता होगा, कोई छात्र वो बोलता होगा, यहाँ पर भी दोस्त यही पर है। अगर परीक्षा की आपकी तारीख, बहुत से लोगों को है कि नहीं यार परीक्षा की डेट आ जाए, अगस्त में हो जाए हमारा पेपर, जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़े, तो होने लगेगा दोस्तों, फिर वही दिक्कत आएगी, सोशल मीडिया पर अभियान छिड़ जाएगा, नहीं परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, अभी कोरोना वायरस है, तो बहुत सी दिक्कतें हैं। बस एक ही विकल्प आज की डेट में सबसे अच्छा रहेगा कि आपको प्रमोट करें, बात खत्म करें। ठीक है, इसी बात के साथ दोस्तों वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, और पूरी कोशिश दोस्तों हमारी रहेगी कि आपको प्रमोट कराएं। जी हाँ दोस्तों, जो छात्र नहीं चाहते कि प्रमोट हो, उनसे बस यही कहेंगे कि आप लोग फिलहाल सावधानी बरतिए, कोरोना वायरस बढ़ रहा है, तो इस बार प्रमोट हो जाइए, अगला सेमेस्टर आएगा फिर से उसमें आप ज्यादा नंबर हासिल कर लीजिएगा। ठीक है, आपका दोस्तों ऐसी बात नहीं है, इमेज खराब नहीं होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और सभी छात्रों का हैव अ नाइस डे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, कोरोना वायरस से बचिए।